दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर लास्ट वाली नैनो मैगजीन की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो वो वीडियो जो थी वो टर्मिनेट हुई थी। तो कुछ टॉपिक्स आप लोगों के बचे हुए हैं, मैं यहाँ पर वो टॉपिक कवर करूंगा और कुछ और भी एडिशन आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगा। जो क्विज वगैरह थी वो भी आप लोगों का देखने को मिलेगा, तो एक प्रॉपर लेक्चर आप लोगों के सामने आएगा। पर लेकिन आज जो है हम लोग रिविजन नहीं करेंगे। रिविजन मैंने आप लोगों को बेसिकली संडे की वीडियो रिविजन के लिए लेकर आता था, पर लेकिन अब की बार बात यहाँ पर ये है कि अगर मैं रिविजन कराऊंगा तो ऑलरेडी जो टॉपिक मुझे पढ़ाने हैं वो आप लोगों के छूट जाएंगे, और अगर वो टॉपिक छूट जाते हैं तो आप लोगों को पढ़ना, अगर खुद से बैठोगे उनके, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है कई सारी चीजें आप लोगों के समझ में भी न आए। तो अच्छी बात यहाँ पर ये होगी कि रिविजन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों को वैसे भी रिविजन करना है तो वीडियो भी सारी पड़ी हुई है, उससे भी आप लोग रिविजन कर सकते हैं। पर लेकिन जो एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों के छूट गए, अगर उनको नहीं पढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है? वो आप लोग ना पढ़ पाओगे और ना ही उनको समझ पाओगे, और लंबा समय लगेगा अगर खुद से उनको पढ़ने बैठोगे। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक कवर कर लेते हैं, रिविजन तो एक बार को आप लोग खुद से भी कर लोगे, ठीक है? तो सही है, या फिर मतलब ये लग रहा है कि नहीं, रिविजन वाली ही होनी चाहिए थी वीडियो, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। देखिए यार, टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। रिविजन तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पीडीएफ है, वीडियो पड़ी हुई है, एक बार वो कर लोगे। पर लेकिन टॉपिक अगर छूट जाए तो फिर उसको थोड़ा सा हो जाएगा ना, तो इसलिए मुझे लगा कि ये ज्यादा बेटर है, पहले अपने टॉपिक कवर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन। तो मैंने आप लोगों को ये रूर्बन वाला टॉपिक था हमारा बीच में टर्मिनेट हुआ था। अगर कोई यहाँ पर अभी देख रहा है लेक्चर को, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बहुत सारे टॉपिक लास्ट वाले लेक्चर में कवर किए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मुझे लगा था जो मैंने आप लोगों के लिए कवर किया था, एक सेकेंड, ये दूसरा टॉपिक आ गया। मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का किया था वो थी हमारी 1857 की क्रांति, ठीक है? वैसे मैंने इंपॉर्टेंट डे भी आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया था। इसी के साथ में मुझे आज साइक्लोन वाला भी एक टॉपिक आप लोगों को कवर करना है। पर लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने हिस्ट्री वाला आप लोगों को पढ़ाया था वो था यहाँ पर 1857 की क्रांति। आखिर वो क्यों न्यूज में थी, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आप लोग वीडियो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें मैंने बताई हैं, जैसे कि ये वाला स्लाइड था, इसमें जो भी यहाँ पर 1857 की क्रांति में जो भी यहाँ पर लीडर उस टाइम पर मतलब उसके साथ में इंक्लूडेड थे, तो कौन कौन वहां पर कहाँ कहाँ से इंक्लूडेड थे और किस किस को यहाँ पर किस किस ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ पर सप्रेस किया गया, तो सारी बातें मैंने डिटेल में कवर की। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसी के साथ में एक आर्टिकल मैंने आप लोगों से काफी डिटेल में डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये आर्टिकल के साथ मैंने आप लोगों को और भी कई सारी बातें बताई थी। तो एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था काफी डिटेल में, ठीक है? तो इस तरीके से कई सारे आर्टिकल देखे थे, अब सारे क्या ही बताऊं, आप लोग जाकर वीडियो एक बार देख लीजिए तो सारी चीजें आप लोगों के समझ में आ जाएगी, ठीक है? एक हालांकि ये भी था आप लोगों से जो मैंने डिस्कस किया था, ये यहाँ पर जुलाहा कम्युनिटी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की थी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कैसे कैसे यहाँ पर पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है? तो आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो ये आप लोग एक बार खुद से देख लेना, जो आज मैं एक्स्ट्रा आर्टिकल पढ़ाऊंगा उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, तो वो काफी अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा, ताकि कोई भी आप लोगों का पॉइंट जो है वो छूट ना जाए और चीजें जो है वो समझ में अच्छे से आए, वरना खुद से पढ़ने बैठोगे काफी मेहनत लग जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले मुद्दा ये आता है, एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। रूर्बन का मतलब क्या होता है? तो ये दो शब्द से मिलकर बना होता है, रूरल यानी कि गांव वाला, प्लस अर्बन यानी कि एक तरीके से गांव और शहर के जो बीच का एरिया आप लोग कहीं बोल सकते हैं, उसको आप लोग रूर्बन की कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी कि उसमें कुछ झलक आप लोग को गाँव की देखने को मिलेगी और कुछ झलक आप लोग को शहर की देखने को मिलेगी, मतलब ना तो पूरा गाँव और ना ही पूरा शहर। जैसे किन्नर कम्युनिटी का अगर कोई पर्सन आप लोग ले लेते हैं, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये बोलते हैं ना तो पूरा औरत है ना ही पूरा मर्द है, एक तरीके से यानी कि बीच का पर्सन, कई बार आप लोगों ने इसको सुना होगा। किन्नर कम्युनिटी के जो समुदाय के लोग होते हैं, तो वो वाली कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल अलग है चीज, पर लेकिन समझाने के लिए बोला इसलिए ताकि आप लोग समझ सकें, क्योंकि वो एक अलग से ही उनकी खुद आइडेंटिटी है किन्नर। तो ऐसा नहीं कि आप लोग बोलो कि अरे तो मेल नहीं है फीमेल नहीं है, क्या जरूरत है उसको मेल और फीमेल होने की, खुद एक अपने आप कंप्लीट पर्सन है, उसको किसी और के साथ में कंपेयर क्यों करना है। इसी तरीके से एक गांव वाला एरिया हो गया, एक शहर वाला एरिया हो गया, एक ऐसा एरिया हो गया जहां पर दोनों की झलक देखने को मिलती है। सुनो ना, बच्चे पैदा हुए उनमें मां बाप की झलक देखने को मिलती है, तो वही बातें आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो इसी के नाम पर स्कीम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, जिसको आप लोग यहाँ पर बेसिकली SPMRM भी आप लोग बोलते हैं। ये पिछले 4 साल में काफी शानदार परफॉर्मेंस ये मिशन देकर गया, इसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था, और इसको काफी अच्छे से यहाँ पर PIB के द्वारा भी कवर किया गया, जो रूरल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा भी इसके बारे में बताया गया। तो पूरी स्कीम के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले पर्सनैलिटी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इनके बारे में जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, ये इनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, जिस संघ था, ठीक है, संघ का नाम आप लोगों ने सुना ना,
तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो भारतीय जनसंघ है उसके फाउंडर कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ही थे। कोलकाता में 1901 में इनका जन्म हुआ था और जो इनके द्वारा आखिरी सांसें ली गई वो ली गई श्रीनगर के अंदर में। तो यहाँ पर 6 जुलाई को इनका जन्म हुआ था और 23 जून को इनके द्वारा अपनी जो है वो जिंदगी जो है वो इनकी कंप्लीट हुई। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से बात करें तो। यहाँ पर बेसिकली वे फाउंडर भी हैं जनसंघ के, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इसके चलते यहाँ पर इनके नाम पर स्कीम्स के नाम रखे जाते हैं। तो 4 साल जब पूरे हुए यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को, तो अभी यहाँ पर गवर्नमेंट उसी को सेलिब्रेट कर रही है और उसी के चलते इंपॉर्टेंट मुद्दा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही है, क्वेश्चन ये बनेगा कि कैसी स्कीम है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है, इस स्कीम का पर्पज क्या है, तो ये मेन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो पर्पज समझ लेते हैं, क्योंकि बिना पर्पज के किया गया काम जो है वो सही नहीं होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो रूरल और अर्बन में जो डिवाइड है, यानी कि जो चीजें आप लोगों को शहर में देखने को मिलेगी कुछ चीजें गांव में देखने को मिलेगी, तो क्यों ना हम लोग अपने गांव को ही उस लेवल पर लेकर आ जाएं कि गांव के लोगों को शहर में ना जाना पड़े और गांव में ही सारी फैसिलिटी मिल जाए। तो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी या फिर रिलेटेड जो सारी फैसिलिटीज होती है वो गाँव में ही मिल जाए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को सारी चीजें अगर गांव में मिल जाए 24/7 गांव में मिल जाए उसको पानी, ठीक है, इसी के साथ में इंटर विलेज कनेक्टिविटी हो जाए, एक अच्छी रोड, हेल्थ की फैसिलिटी, साफ सफाई देखने को मिले, स्किल के लिए ट्रेनिंग उनको वहीं पर ही मिल जाए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग की सर्विस है यहीं पर ही मिल जाए, इसी के साथ में एजुकेशन मिल जाए, टूरिज्म की सर्विस, अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए गांव वाले एरिया में, एनवायरमेंट पर ध्यान रखा जाए, इसी के साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां पर रहते हैं, रूरल हाउसिंग के बारे में बात की जा रही है, गांव में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर के बारे में बात की जा रही है, गांव में स्ट्रीट लाइट लगा दी, गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गया, एलपीजी का कनेक्शन आ गया, सॉलिड लिक्विड मैनेजमेंट आ गए, ड्रेन फैसिलिटी हो गई, इसी के साथ में यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी हो गई और सिटीजन सर्विस सेंटर हो गए। अगर ये सारी चीजें अगर गांव में आ गई तो इंसान को शहर में जाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा गांव में ही, अच्छी हेल्थ देगा गांव में ही, और गांव के आसपास में आप लोगों को काम करता हुआ इंसान नजर आएगा। तो इसीलिए बोला गया कि शहरों को बिल्कुल हम लोगों को साइड में रखना है और गांव वाले एरिया को भी शहर वाला एरिया बनाना है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यार काफी बड़ा देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री में लगभग 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है और लगभग 30% के करीब शहर में रहती है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर 69% 1% ऊपर नीचे हो रखा है, तो मोटे मोटे तौर पर 70 और 30 याद रख लेना। अभी सबसे बड़ा मुद्दा यह जो 70% पॉपुलेशन है यहां पर, ये इस 70 में से 50% पॉपुलेशन आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी जो कि खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर खेती के ऊपर डिपेंडेंट है और जबकि खेती जो है उससे अगर बात करेंगे हमारी कंट्री की जीडीपी में ओनली 14% मिलता है, तो मुद्दा ये निकल कर आता है कि इतनी सारी पॉपुलेशन को कभी भी आप लोग एक अच्छी जिंदगी जीते हुए पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे सेक्टर में यहां पर लगे हुए हैं जिस सेक्टर में से प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल कर आती नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट आता ही नहीं है, तो उसकी वजह से यहां पर उनकी जिंदगी जो है वो एक बहुत ही एक नॉर्मल सी जिंदगी उनकी जीतेंगे, जैसे तैसे अपनी काटेंगे, और एक अच्छी जिंदगी जीनी है, एक अच्छे पैसे वाले कमाकर अपनी जिंदगी को सही तरीके से एजुकेशन, हेल्थ की, अपनी रहने का, खाना पीना, सारी चीजें अच्छी मिले, वो वाली चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहां पर निकल कर आया। जो इंडस्ट्रीज है अगर उसके बारे में बात करें 26% यहां पर होता है और जबकि सर्विसेज है वो 60% है, और जबकि यहां पर 70% लोग है गांव में और यहां पर ओनली 14% इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जीडीपी के अंदर में। तो कैसे काम चलेगा, तो कहीं ना कहीं गांव वाले एरिया को भी डेवलप करना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर कई सारे नारे भी दिए गए, गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रूर्बन मिशन है उसमें यही फोकस किया गया कि गांव को आगे लेकर चलना है, तो डेवलपमेंट करना है लगभग 300 के करीब जो विलेज क्लस्टर है, रूरल ग्रोथ सेंटर बनाने हैं और अर्बन एमिनिटीज ये गांव वाले एरिया में लेकर आनी है। तो ये कई सारी बातें यहां पर बोलेगी, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, अपने जो गांव है उनको इतना सशक्त बनाना है ताकि हमारे गांव जो है वो डिपेंडेंट न रहे कि हाँ बाहरी जाकर कुछ अच्छा मिलेगा, तो गांव में ही सारी चीजें सारी फैसिलिटी मिल जानी चाहिए, गांव में ही सारी फैसिलिटी मिलेगी। सोचिए एक मिनट के लिए, अगर आप लोग आज के दिन में दिल्ली या किसी अच्छी बड़ी सिटी में जाकर रह रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि यार क्या सी फैसिलिटी मेरे गांव में होती तो मैं कभी यहां निकल के ही ना हूं, ठीक है, तो आप लोगों को वो वाली चीजें अगर यहां पर मिल जाए तो कैसा रहेगा, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। रूर्बन क्लस्टर जो है ये नॉन ट्राइबल एंड ट्राइबल, यानी कि एक तरीके से ये जो है एक तरीके से नॉन ट्राइबल और ट्राइबल वाले एरिया भी बात की जा रही है यहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है। कैसा, देखिए समझिए एक बार पहले आप लोग, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्मल गांव से थोड़ी ज्यादा है, हाई लेवल ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी, यानी कि वहां पर ज्यादा खेती के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है लोग, ठीक है, सब अपना अपना कोई ना कोई छोटा बहुत बिजनेस कर रहे हैं, इसी के साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी और अदर सोशियो इकोनॉमिक जो पैरामीटर हैं वो यहां पर नजर आएंगे, यानी कि गांव से थोड़ा सा हटके, ऐसे नहीं खेती के ऊपर डिपेंडेंट है सारे लोग, तो वो वाला सिस्टम जो हो जाएगा उसको आप लोग रूर्बन बेसिकली बोलेंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला जो ये रूर्बन मिशन है इसमें यह माना जाता है कि लगभग 15 से लेकर 20 गांव उसके अंडर में आते हो, जैसे तहसील हो जाती है, तो कई बार तहसील आप लोगों ने देखा होगा वो रूर्बन टाइप
टाइप में रहती है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिल्कुल एक सिटी टाइप में हो जाता है। तो यहाँ पर 15 से 20 विलेज है उसके अंदर में, लगभग 30 से लेकर 40 लाख की पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिले, तो ये वाली कैटेगरी जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, रूर्बन वाली कैटेगरी में। अगर बात करें ग्राम पंचायत का रहता है, पॉपुलेशन रहती है 25 से लेकर 50,000 तक, ठीक है, और 50,000 से लेकर 5,000 से लेकर 15,000 तक का डेजर्ट या फिर हिली वाले एरिया में, तो उसको आप लोग ग्राम पंचायत बोल देते हैं। तो ग्राम पंचायत 25-25 वाली अगर लगभग 15 हो जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक अपग्रेडेड वर्जन आप लोग बोल सकते हैं, ना कि सिटी नहीं बना कि यार बहुत बड़ी सारी फैसिलिटी वहां पर होगी और बहुत ही सारी आईटीज वहां पर है, पूरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां पर मिल जाएंगे, पूरी मेट्रो मिल रही है, नहीं, आप लोग ऐसा रहेगा फैसिलिटी मिल जाएगी, गाड़ी वगैरह मिल जाएगी, ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे, एक हॉस्पिटल मिल जाएगा, इसी के साथ में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे, और डेली के जो जिंदगी में यूज करने वाले सारे सामान है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, उसके लिए आप लोगों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारा फंडा जो है ये यहां से निकल कर आया, इस पर्टिकुलर मिशन को लाने की बात की गई। तो एक तरीके से ये कनेक्टेड लिंक है, रूर्बन मिशन को आप लोग ऐसा बोल सकते हैं ये महात्मा गांधी जी है, क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी जी क्या करते थे, वो एक गरीब सेक्शन है जो सोसाइटी का और एक अमीर यानी कि रिच सेक्शन है सोसाइटी का, तो रिच सेक्शन और एक गरीब सेक्शन के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करते थे महात्मा गांधी जी। इसलिए यहां पर ये मानते थे कि वो अमीर से अमीर लोग के साथ बैठ रहे हैं और गरीब से गरीब लोग के साथ बैठ रहे हैं, वो एक लिंक थे यहां पर। जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट यहां पर चल रहा था तो उस टाइम पर ये मानता है कि महात्मा गांधी जी की वजह से ही वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो है वो ग्राउंड लेवल पर आया, यानी कि गांव के लेवल पर आया, वरना वो कभी भी गांव के लेवल पर नहीं आता है, क्यों, क्योंकि उनके द्वारा उसमें जान डाली गई, उनके द्वारा जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसको साथ में लेकर चला गया, तो उस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम अभी यहां पर है तो एक क्लस्टर ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से क्लस्टर आर प्लेइंग ए रोल इन रिड्यूसिंग द अर्बन माइग्रेशन, मतलब लोग जो हैं वो गांव से शहर में जो जा रहे हैं उसको रोकने का काम करेगा, और बीच में कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया मिल जाएगा जहां पर रहकर उनका काम चल जाएगा, बेसिक एमिनिटीज सारी उनको वहीं पर ही मिल जाएगी, सारी चीजें वहीं पर ही उनको देखने को मिलेगी। तो इसके चलते बोला गया इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर इंश्योरिंग ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट, तो ये काफी इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट है यहां पर, ना कि अगेंस्ट, एक तरीके से बोला गया एज अगेंस्ट ट्रांजिशनल डेवलपमेंट, यानी कि लोग जो है छोड़कर शहरों में नहीं जा रहे हैं, लोग अपने ही एरिया में काम कर रहे हैं और वहीं से फिर अपना अपने घर पर पहुंच जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको शहरों में जाकर मकान लेना पड़ रहा है और दुनियादारी जोड़नी पड़ रही है तब उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, गांधी जी के द्वारा भी यहां पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी कि अपने गांव को डेवलप करो। आप लोगों को पता होगा, मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस भी किया है, जब पार्ट 4th में आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर तो आर्टिकल आप लोगों को 36 से लेके 51 तक देखने को मिलेंगे, और इसी के अंदर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 40वां, 40वें अनुच्छेद से ही हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पंचायती राज के बारे में यहां पर म्युनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसी से निकाल कर लाई गई है 1992 में, तो इन्हीं को इंप्लीमेंट किया गया फिर आगे चलकर। तो ये यहां पर आर्टिकल 40 जो है वो भी यही बोलते थे गांधी जी कि सारी जो फैसिलिटीज है क्यों ना आप लोग गांव में ही प्रोवाइड करा दो, शहर में आप लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मुद्दा यहां पर देखने को मिला। तो इसी के चलते एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं जो मुझे काफी प्यारा कॉन्सेप्ट लगता है, ये एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा भी इसके बारे में बात की गई, प्रोवाइड ऑफ यहां पर प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल एरिया, यानी कि जो भी फैसिलिटीज शहर वाले एरिया में पाई जाती है वो सारी फैसिलिटीज गांव वाले एरिया में अगर प्रोवाइड आप लोग कराने स्टार्ट कर दो तो लोगों को गांव से शहर में माइग्रेट करना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, लोग बाहर जाते क्यों हैं, क्योंकि वहां पर उनको फैसिलिटीज मिलती हैं सारी। आप लोग ये सुनिए, आप लोग ये वीडियो सुनते ही क्यों हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि यहां पर इतने टाइम में अगर खुद से आप लोग ये इतनी सारी चीजें कवर करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप लोग ये लेक्चर सुनते हैं ताकि ज्यादा के जितने सारे ज्यादा आर्टिकल जो है कम समय में कवर हो जाए और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में रहे, तो एक प्रोडक्टिव पढ़ाई हो जाए। अगर खुद से आप लोग पढ़ने बैठोगे तो 4 से 5 घंटे आप लोगों को ये आर्टिकल सारे अंडरस्टैंड करने में लगेंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठ रहा है, ठीक है, जिसको नॉलेज हो चुकी है कुछ बैकग्राउंड की वो फिर भी थोड़ा जल्दी कर लेगा, पर इतने कम समय में तो थोड़ा आप लोगों को मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इतने सारे आर्टिकल इतने कम समय में खुद से तैयार कर पाओ। मुझे भी पॉसिबल नहीं होता, पहली बार अगर मैं करने बैठता मुझे क्यों हो पा रहा है पॉसिबल, क्योंकि पिछले जो 4-5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं उसके बेस पर एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानता हूं सारी, तो आप लोगों को समझा पाता हूं। तो ये चीजें ऐसे ही चलती हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि गांव में अगर वो सारी फैसिलिटी आप लोग ला दोगे तो शहर में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मुद्दा बना। तो यहां पर बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा 2003 में ये बातें बोल दी गई थी कि पूरे का कॉन्सेप्ट लेकर आओ, गांव में ही आप लोगों को यहां पर ये स्कीम प्रोवाइड कराओ। फिर पूरा 2.0 आया जिसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में बात की, तो 2012 में यहां पर ये लॉन्च किया गया, ये डेवलपमेंट और पोटेंशियल ग्रोथ सेंटर बनाने की बात की जा रही है गांव वाले एरिया में ताकि उनको सारी चीजें वहीं पर ही मिल जाए। तो ये जो लॉन्च किया गया प्रोविजन था यहां पर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन जो एक तरीके से और अर्बन एमिनिटीज रूरल एरिया में लाना, तो गांव और शहरों के बीच में एक ब्रिज को भरने की बात यहां पर की गई थी इस मिशन के।
उम्मीद है। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम इतनी बार लार टपका चुका है इस क्वेश्चन के ऊपर कि बताओ यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट किसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली प्रमोट किया गया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी का नाम आप लोग याद रखेगा। पूरा क्या बोलते हैं, ये एक स्कीम होगी आप लोगों से। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो अलग होगी, ये अलग से एक स्कीम होगी पूरा। अगर आप लोग इसको समझोगे तो ये अलग से एक पूरा टॉपिक हो गया पूरा वाला, आप लोग अलग से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो पूरा ये बोलते हैं कि गाँव में पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस की फैसिलिटी गांव में आप लोगों को मिलनी चाहिए, साफ सफाई एक तरीके से गटर वगैरह साफ करने वाला, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्किल डेवलप्ड, ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई। तो ये बोल रहे हैं कि गांव में ही मिल जाए, भाई साहब तो हम शहर में जाए क्यों, हम शहर में क्यों धक्के खाते घूमेंगे अगर गाँव में हमें सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल एक्स्ट्रा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, जीएस वन के अंदर एक अच्छा क्वेश्चन भी आप लोगों यहां से बन जाएगा, और एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। देखिए एक दूसरे के रिलीजन के बारे में जाना करो, तभी तो आप लोग अपनी सोसाइटी अपनी कंट्री को समझ पाओगे। तो कभी भी अगर जानने का मौका मिले किसी रिलीजन को, उसको जरूर जाना करो। बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में, यहां पर उनके द्वारा अभी रिसेंटली श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो यहां पर शहादत दिवस था उसके बारे में यहां पर बात की गई, उसको सेलिब्रेट किया गया, उसको ट्रिब्यूट पे किया गया। जो गुरु तेग बहादुर जी थे यहाँ पर, ये नाइन्थ सिख गुरु थे, तो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। और यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली फोकस किया गया था कि प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो ह्यूमैनिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, इंसानियत को प्रोटेक्ट करने की बात इनके द्वारा की गई थी, वरना आज की डेट में इंसान के अंदर की इंसानियत जो है वो खत्म होती जा रही है। इसी के चलते इनको सृष्टादि चादर, ये यहाँ पर एक तरीके से बोला जाता है, यानी कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने वाला, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इनकी जो राइटिंग्स हैं वो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो टेक्स्ट हैं खासकर जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, ठीक है, तो लगभग 116 है ये पोएट्स, हिम्स एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, श्लोक टाइप में नहीं बोलते हैं जैसे आप लोग, तो कुछ ऐसे आप लोग समझ सकते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हिम्स को आप लोग श्लोक बोल सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सुना ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए, तोरे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए, तो एक तरीके का श्लोक हो गया ये। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, कई बार मैंने आप लोग कई सारे श्लोक सुनाए, तो ये वहीं से उसके साथ में आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से ये काफी ज्यादा घुमा भी करते थे, ये एक ऐसी चीज है इनके, एक तरीके से नहीं, जगह जगह पर घूमना, लोगों के साथ मिलना, उनको पढ़ाना समझाना, तो एक तरीके से सोसाइटी को इंप्रूव करने का काम करते थे ये घूम घूम कर। तो एक तरीके से यहां पर वही वाली बात फिर मुझे याद आती है, अगर कोई घूमने वाले इंसान के बारे में बात करता है कि सैर कर दुनिया की गा फिर जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी ये रही तो नौजवानी फिर कहां, तो जिंदगी में हमेशा टाइम निकालकर घूमना जरूर चाहिए। आगे अगर बात करें यहां पर इनके द्वारा फाउंड किया गया यहाँ पर जिसके बारे में याद रखते हैं, ये है चक नानक, ये यहाँ पर चक नानक इन पंजाब, ठीक है, तो इसके बारे में चक नानकी बेसिकली, ठीक है, तो फाउंड किया गया टाउन था चक नानकी इन पंजाब, ठीक है। तो इसको अगर बाद में आप लोग बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से पार्ट भी है, पंजाब के अंदर आनंदपुर साहिब गुरु तेग बहादुर आप लोगों ने सुना होगा, तो आनंदपुर साहिब के फाउंडर अगर आप लोगों को कोई बोले तो गुरु तेग बहादुर जी ही थे, ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखेगा। एक काफी ये क्रूशल इन्फॉर्मेशन है जो कि काफी एक बुरी एक दुर्घटना बोल सकते हैं हिस्ट्री के अंदर, इनको जो एग्जीक्यूशन किया गया, इनके जो इनकी डेथ हुई वो यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर ये हरकतें की गई, तो मुगल जो सम्राट थे औरंगजेब उनके द्वारा यहाँ पर ये हरकतें देखने को मिली। तो ये एक तरीके से हिस्ट्री का भी पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर न्यूज में भी था, यहाँ पर पीआईबी के द्वारा भी इसको कवर किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ट्रिब्यूट पे किया गया, यहाँ पर ये ट्वीट भी आप लोग मोदी जी का यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोदी जी आप लोग यहाँ पर मोदी जी की पिक्चर भी देख सकते हैं, तो कुछ ये चीजें हैं जो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करूंगा। अगर बात करें हम लोग सिख कम्युनिटी के बारे में, ठीक है, तो सिख जो कम्युनिटी होती है उसका मतलब क्या होता है, सिख जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसाइपल, ठीक है, एक तरह से शिष्य आप लोग बोल सकते हैं। तो यानी कि सिख आर द डिसाइपल ऑफ गॉड, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान के शिष्य हैं, ठीक है। तो ये टीचिंग्स में बताया जाता है, जो 10 गुरुज हैं उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं, तो एक तरीके से आप लोग ऐसे देखने को मिलेगी। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे गुरु होते हैं वैसे ही चेले हो जाते हैं, अगर जितने अच्छे गुरु आप लोगों को जिंदगी मिलेंगे ना उतने ही अच्छे चेले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो 10 गुरु थे वो अपने आप में ही एक तरीके से मतलब एक तरीके से इतने अच्छे एक भगवान की उपाधि एक तरीके से दी जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज की डेट में जो सिख कम्युनिटी है वो उसी तरीके से काम करती है। आप लोगों ने देखा गुरुद्वारा में आप लोग अगर जाओगे तो वहां पर कितने अच्छे से सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर सिख धर्म को प्रमोट कर रहे हो क्या, अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, सारे धर्म अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि प्रमोशन चल रहा है, वो फालतू की बातें मत बोला करो, अच्छी नहीं लगती आप लोगों के मुंह से, खासकर एसएलवी फैमिली नहीं बोलते, कोई नया बच्चा आ जाता है जो कभी सुनता नहीं है पहली बार सुन रहा है तो उसको ये सुनने में लगता है अगर किसी और रिलीजन का हो। सारे रिलीजन बहुत प्यारे हो, चाहे सिखिज्म की बात कर लीजिए, हिंदुज्म की, चाहे आप लोग इस्लाम की बात कर लीजिए, धर्म कभी भी कुछ गलत नहीं सिखाता है किसी को, हम जैसे इंसान है जो कि हम जैसे इंसान होते हैं ना एक तरीके से वही हरकतें सारी करते हैं, हम जैसे इंसान अखंड गुनहगार होते हैं,
जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको ये रहता है कि वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से धर्म को मॉडिफाइड कर लेते हैं, ठीक है, उसके साथ में टैग कर देते हैं कि ये धर्म ऐसा है। तो धर्म सारे अच्छे होते हैं, संविधान सारे अच्छे हैं, कोई संविधान बेकार नहीं, संविधान को इंप्लीमेंट करने वाले बेकार होते हैं हमेशा, ठीक है। ये तो वही बात होगी, मैंने पढ़ाया बच्चों को, एक बच्चा जो है वो पढ़ के काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया, एक से एग्जाम भी नहीं निकला, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अच्छा हो गया फिर बहुत ज्यादा बुरा हो गया। वो तो यार मैं तो एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ सबको, यहाँ पर जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हो, अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग उसको कैसे लेते हो। जो सिख कम्युनिटी है यहाँ पर वो वन गॉड में बिलीव करते हैं कि भगवान एक ही है, ऐसा है, उसी को आप लोगों को फॉलो करना है, और सारे जो एक तरीके से भगवान है वो एक ही रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो निराकार में बेसिकली बिलीव यहाँ पर किया जाता है, और उसी को यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर जब बोलते हैं कि बिलीव करते हैं यहाँ पर इसके, इसको बोलते हैं सिमरन, ठीक है। तो सिख बिलीव इन वन गॉड और दे बिलीव दैट दे शुड रिमेंबर गॉड इन एवरीथिंग दे डू, यानी कि जो भी वो करते हैं हर उसमें उनको भगवान को याद करना है। इवन खाना खाते हुए भी आप लोगों को देखना है कि भगवान को कि थैंक गॉड कि मुझे सारी चीजें मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं सिख जो है, जो फेथ है पर गुरमीत पंजाबी के अंदर द वे ऑफ द गुरु, ठीक है। तो ये एक ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। सिख जो ट्रेडिशन है सिखिज्म, ये एस्टेब्लिश किया गया था गुरु नानक देव जी के द्वारा यहां पर, जिनका टाइम ड्यूरेशन है ये 1469 से लेके 1539 तक का, और उसके बाद में फिर आगे कई सारे और गुरु देखने को मिले जिनके द्वारा इसको आगे एक्सटेंड किया गया। और सिखिज्म में अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफरेंट रेस रिलीजन सेक्स ऑल सबको एक आंख से देखा जाता है, यानी कि एक तरीके से सबको इक्वल दृष्टि से देखा जाता है। जैसे गांधी जी को ये मानते थे कि गांधी जी के सामने अमीर आ जाए, गरीब आ जाए, कोई बीमार आ जाए, जैसे कुष्ठ रोगी को भी वो बहुत ज्यादा हेल्प किया करते थे, सबको एक नजर से देखते थे। तो यहाँ पर सबको एक है भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, गॉड के द्वारा, सबको एक ही तरीके से पैदा किया गया, और मरने के बाद में, खत्म होने के बाद में जाएंगे भी सब यहाँ से, एक शरीर रह जाता है जिसको आप लोग बोलते हैं कोई जला ले, कोई दफना ले, कोई और किसी तरीके से उसको देखें, वो सारी अपनी जगह बातें हैं, पर लेकिन भगवान भी एक ही है और इंसान भी एक ही है अगर देखा जाए तो, ठीक है। बस उसके चेहरे अलग अलग हो गए, जहां पर रहता है उसकी संगत की वजह से उसकी चीजें थोड़ी अलग हो गई हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली दो ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी संगत में रहते हैं, वो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, वरना बॉडी के अंदर तो उनके अंदर भी वही हड्डी मांस खून है, सारी चीजें हुई हैं, बस लेकिन संगत और सोच का डिफरेंस सारा होता है। पांच ये काफी इंपॉर्टेंट 5 केस जो हैं जिसमें काफी फेथ है बेसिकली सिख कम्युनिटी का, इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। एक तो केस अनकट हेयर, यानी कि कभी बाल जो है उनको एक तरीके से उनको बांधे रखना, लंबे करना, तो काफी ज्यादा एक अच्छा माना जाता है सिख कम्युनिटी के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कंघा, वुडन कोम्ब, जब बाल बड़े रखने हैं तो कोम्ब की जरूरत पड़ जाएगी थोड़ा सा उसको मैनेज करने के लिए, तो ये भी एक साथ में रखने की बात करते हैं। इसी के साथ में करा, करा मतलब एक तरीके से कड़ा नहीं बोलते आप लोग, ब्रेसलेट जो कि हाथ में आयरन का, तो कई बार देखा होगा सिख कम्युनिटी के, ये काफी अच्छा लगता है, मैंने भी एक बार ना कुछ दिनों तक मुझे शौक लगा था, पर फिर जो है उन्हें कुछ इस तरीके से कि एक मतलब लंबे समय तक चीजें जो था उसको एक बार नहाने के कहीं पर निकाल के रख दिया, घूम रहे कहीं पर इस तरीके से, तो कहीं रख के भूल जाए, कई बार 3-4 कड़े घूम कर दिए, मैंने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है, कई बार कई सारे दोस्त मांग लिए ऐसे चीजें देखने को मिल जाती है कई बार, तो फिर जो है अभी फिलहाल मेरे पास में नहीं है। एक ऐसे एक फ्रेंड है मेरे जो बेसिकली उसमें नेवी के अंदर में, उनके द्वारा ब्रेसलेट दिया गया था बड़ा प्यारा, वो एक बड़ी ही डिफरेंट सी मेटल का बना हुआ है, वो ऐसा है कि उस पर कभी जंग ही नहीं लगता है, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो मतलब अच्छा है पहन के, अच्छा लगता है कई बार अगर पहनो तो, इसको अच्छी चीज़ है एक तरीके से बोला जाए तो। इसी के साथ में कच्छा बेसिकली बोला जाता है, नॉर्मली कच्छा आप लोग बोल सकते हैं, फिर निक्कर टाइप में, तो कॉटन का बना होता है, अंडर पेंट बोलते हैं। इसी के साथ में कृपान जो कि आयरन की जो तलवार होती है, एक थोड़ा चाकू नहीं छोटा चाकू टाइप में, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये सिख का जो बेसिकली यहाँ पर सिंबल आप लोगों को नजर आएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें जिनसे कईयों बार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, जिसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आप पसंद करते हैं कड़ा पहनना, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नॉर्मली पहन लेती हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, आप में से कौन कौन कड़ा पहनना पसंद करता है? पहले कड़ा ज्यादा प्रेफर करता था, पर लेकिन पहले का मतलब अब थोड़ा सा घड़ी पर ज्यादा फोकस रहने लगा है क्योंकि घड़ी रहती है तो फिर कड़ा रहता है, वो दोनों का मिसमैच रहता है, और जो राइट हैंड है उससे राइटिंग करता हूं, तो राइट हैंड में हमेशा जो अगर कड़ा वगैरह घड़ी वगैरह पहना जाए तो फिर निकले में दिक्कत होती है, जो प्लेट नहीं होती जिस पर लिखता हूं मैं, ठीक है, तो उसमें दिक्कत होती है, तो फिर जो है लेफ्ट हैंड में आराम से घड़ी रह जाती है और फिर राइट हैंड में अपना पेन वेन चल जाता है, तो इस तरीके से तो अब जो है नॉर्मली घड़ी ज्यादातर हाथ में रहती है, उससे टाइम भी पता चलता रहता है, और फिटनेस बैंड टाइप में नहीं होता आज के डेट में, जिससे और भी कई सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं, तो वो ज़्यादा है आज के डेट में, वरना कड़ा भी अच्छा लगता है, कोई बात नहीं उसमें से। अब बात करेंगे एक साइक्लोन के बारे में, ठीक है, तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं साइक्लोन के बारे में, तो इसका नाम है जावद, ठीक है। तो जावद जो साइक्लोन है ये रिसेंटली अभी कहां पर देखने को मिला, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिला। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज नहीं थी जितनी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पर लेकिन फिर भी यहां पर चीजें जो थी वो काफी हद तक इंपैक्ट तो डालती हैं। देखिए होता क्या, हमारे देश में सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने को मिलती है, यहां पर जो भी साइक्लोन आते हैं
तो यहाँ पर हम लोग लोगों की तो जान बचा लेते हैं, पर लेकिन उनकी जो खेती है, कई बार जानवर हैं और जो ढांचागत जो है चीजें, उनको हम लोग नहीं बचा पाते हैं। तो इसकी वजह से ये रहती है कि जब इंसान बच भी जाए तो बचने के बाद में उसको ये लगता है कि आप बचा ही क्या है मेरे पास में, यानी कि उसके अंदर जो है वो काफी निराशा छा जाती है, ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है बहुत पीछे चली गई, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं, तो उसी के बारे में कई सारी बातें देखने को मिलती है कि इनके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। तो समझते हैं क्या क्या बातें अच्छे से। रिसेंटली अभी साइक्लोन जो आप लोगों को देखने को मिला, तो उसके चलते हम लोग काफी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, कई सारे लोगों को वहां से निकाल कर ले भी आते हैं। तो साइक्लोन जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है यहाँ पर, ये ठीक है, तो वो इनकॉर्पोरेट करते हैं यहाँ पर मिटिगेशन और इसी के साथ में प्रिपेयरनेस, यानी कि देखिए साइक्लोन आने से पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, साइक्लोन के टाइम पर चीजों को बचाना है और साइक्लोन जाने के बाद में चीजों को रिकवर भी करना है। तो ये कई सारे फंडे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसी के चलते अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, यहाँ पर आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा इसके बारे में कि साइक्लोन के नाम पर जो है वो वार्निंग दी जाती है कि भाई साहब साइक्लोन आ रहा है, अपने अपने ठंडा बोरी समेट लो। तो पहले अगर ग्रीन वार्निंग हो तो इसका मतलब होता है कि कुछ नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहो। जब यहाँ पर येलो हो गई, येलो का मतलब है भाई साहब अपडेट रहना, कभी भी दिक्कत हो सकती है। जब यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइप में हो गया कि यहाँ पर ब्राउनिश टाइप में, तो फिर लग रहा है कि अब ना भाई साहब उठा लो मतलब टंडा बोरी, और यहाँ तो भाई साहब भाग जाओ आ गया, ठीक है, तो वो वाली बातें हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन से लेकर रेड तक का जो चीजें पहुंचती है उसमें एक प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसी के बेस पर वार्निंग जो होती है वो इश्यू की जाती है कि भाई साहब ऐसी ऐसी कंडीशन बन रही है और इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। तो ये साइक्लोन का फंडा यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है। और हमारी कंट्री में जो आप लोगों को साइक्लोन नॉर्मली देखने को मिलेंगे तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब आप लोगों ने देखा, ये हो गई इक्वेटर, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो नॉर्मली इसके बीच में जो साइक्लोन आते हैं वो काफी बड़ा इंपैक्ट हमारे देश पर डालकर जाते हैं, जिनको ट्रॉपिकल साइक्लोन आप लोग बोलते हो। ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ में यहां पर आप लोग याद रखिएगा दो तरीके के साइक्लोन होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं और दूसरे को टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। टेम्परेट साइक्लोन मतलब वो जो ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर वाला एरिया, तो उस वाले एरिया के यहां पर साइक्लोन नॉर्मली नजर आते हैं, तो उनको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन बोल देते हैं। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो रहेंगे वो इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में रहेंगे, और टेम्परेट जो रहेंगे वो उसके बाहर वाली साइड में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो दो तो मुद्दे याद रखिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट साइक्लोन या टेम्परेट जोन का नाम भी इनको दिया जाता है, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इनको बोल दिया जाता है। तो दो तरीके से यहाँ पर डिवाइड होते हैं। पर लेकिन साइक्लोन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर क्या होता है कि घूम घूम कर ऐसे, ठीक है, तो ये जो यहां पर शब्द जो निकल कर आया, एक वर्ड है यहां पर ग्रीक का जिसको बोलते हैं साइलोस, ठीक है, साइक्लोस, तो यहां पर CYCLOS, तो ये जो शब्द है इससे बेसिकली कोयल यानी कि सांप जो होता है वो सांप गुलमंडी मार के ऐसे बैठता है ना फन निकाल के अपना, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। ओके, कितना प्यारा सांप बन गया। तो यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन थे जिनके द्वारा ये बातें देखी, उन्हें कहते हैं इंसान फ्री बैठा है, चलो इसी को देखते हैं, अच्छा यार तो बिल्कुल साइक्लोन जैसा, अरे इसी का नाम साइक्लोन रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये थे हेनरी प्रिडिक्शन, ठीक है, तो हेनरी जो प्रिडिंगटन, बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं जो प्रिडिंगटन हेनरी थे, इनके द्वारा ये शब्द दिया गया जिससे शब्द साइक्लोन निकल कर आया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। तो साइक्लोन जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं अलग अलग एरिया में, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे साइक्लोन के बारे में बात करें तो सुपर साइक्लोन आप लोगों ने सुना होगा, जब यहां पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चलने लगे तो सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में आते हैं। घटते घटते नीचे तक जाएंगे डिप्रेशन की कैटेगरी में आएंगे, तो डिप्रेशन का मतलब यहां पर क्या होता है, ये 51 किलोमीटर से ज्यादा या फिर 51 किलोमीटर से कम या फिर उसके इक्विवेलेंट जो डिप्रेशन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और बढ़ गया, डीप डिप्रेशन हो गया, और बढ़ गया साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया, और बढ़ गया सीवियर साइक्लोन हो गया, और बढ़ गया वेरी सीवियर, और यहां तो भाई साहब सुपर, तो सुपर से भी ऊपर, तो यहां पर वो वाली चीजें देखने को मिलेगी। ये है यहां पर फंडा। तो कई बार आप लोगों से इसके बारे में पूछ भी लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा बेसिकली, वो क्या है, वो है यहां पर अगर बात करें तो WMO और ESCAP, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये साइक्लोन का नाम डिटरमाइन करता है, इसको बोलते क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन और इसी के साथ में पैसिफिक वाले रीजन में, तो इनके द्वारा नाम प्रपोज किए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कई सारे साइक्लोन आए, अभी उनके नाम अलग अलग दिए गए, इसी तरीके से कई सारे जो अभी वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, उनके भी नाम दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कंट्री नाम सजेस्ट करती है और उसके बेस पर हम लोग नाम रख लेते हैं। आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट मुद्दे और यहाँ पर याद रखिएगा, जो साइक्लोन होते हैं उनको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, यानी कि प्रोसीजर तो वही है, साइक्लोन ऐसे ही आएंगे, वही सांप वाली घूमटी मुड़ कर ही घूमेगी, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। वही है कि यहाँ घर में लोकल नाम आप लोगों को कुछ और हो गया, बाहर जाओगे तो कुछ और हो गया। तो यहाँ पर इसको बात करें
तो इंडिया वाले रीजन में इनको साइक्लोन बोलते हैं, जापान वाले रीजन में वही काम है, बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेसर है, उसको टाइफून बोलते हैं, यहाँ पर इसको हुरिकन बोलते हैं, ठीक है, जो बेसिकली यूएसए वाला रीजन है। और अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे को आओगे, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको लोकल भाषा में विली विली के नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा भी, तो ऐसी चीजें आप लोगों से एग्जाम में बन जाती है। साइक्लोन का एक प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इस साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया, ये साउथ अफ्रीका सॉरी सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया, जिसका नाम है यहाँ पर जवाद, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लिबरल मर्सीफुल, यानी कि दयावान इंसान, तो दया करके चला गया यहाँ पर ये साइक्लोन, क्योंकि ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। साइक्लोन को बनने का एक प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको आप लोग समझिए। जैसे नॉर्मली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये है, अगर मैं आप लोगों को नॉर्मल तरीके से यहाँ पर समझाऊं, एक सेकंड रुकिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये है यहाँ पर, यहाँ हो गया इक्वेटर, दोनों यहाँ हो गया पोल, यहाँ पर दोनों साइड में, और बीच में हो गया इक्वेटर, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी आप लोगों को नजर आएगी और पोल पर सबसे ज्यादा ठंडी नजर आएगी। तो जहां ठंडी होती है वहां पर आप लोगों को टेम्परेचर काफी कम देखने को मिलेगा, जब टेम्परेचर काफी कम है तो प्रेशर काफी ज्यादा वहां पर आप लोगों का हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जब प्रेशर ज्यादा होता है तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो इक्वेटर वाला रीजन है वहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और प्रेशर काफी कम होता है। तो हमेशा प्रेशर के बारे में अगर आप लोग बात करें तो ज्यादा प्रेशर वाले एरिया से जो कम प्रेशर वाले एरिया की साइड में चीजें भागती हैं। आप लोगों ने देखा ना गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो गुब्बारे में इनसे हवा भरी आप लोगों ने, ठीक है, तो हवा निकालोगे तो गुब्बारा ऐसे भागेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली कम प्रेशर जो है वो यहां पर एक तरीके से कम प्रेशर की ओर को हवा निकलकर भाग रही है ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे पुश कर रही है, तो हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर है अंदर, बाहर कम प्रेशर है, तो उस तरीके से भागती है। इसी तरीके से हवा यहां पर घूमती रहती है, तो होता क्या है, जब ज्यादा प्रेशर वाले एरिया में से कम प्रेशर वाले एरिया में आती है तो ये ठंडी रहती है और यहां पर आकर गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, ठीक है, ऐसे यहां से फिर और हवा आएगी और ठंडी रहेगी और यहां पर आकर उठ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी गर्म, तो इस तरीके से ये प्रोसीजर यहां पर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसीजर जो है वो घूमता रहता है, यहां पर ठंडी हवा आती है और वो ऊपर उठ जाती है और गर्म हवा आती है वो उसकी जगह ले लेती है, तो ये जब प्रोसेसर यहां पर चलता रहता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये एक फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके से कि ये हवा आई वो ऊपर उड़ गई, ये इस तरीके से यहां पर घूमने वाले प्रोसेसर में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां बीचों बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक प्रेशर, जो यहां पर एक प्रेशर जो रहता है वो आई बन जाता है, सबसे कम प्रेशर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, उन्हें पानी जब आप लोग घुमाओगे तो वो वाली बात है, तो ये विंड की तरीके से यहां पर एक पूरा माहौल बन जाता है। तो ये फंडा है जिसके बेस पर आप लोग साइक्लोन देखने को मिलता है, और यहां पर इस तरीके से फिर आप लोगों के सामने साइक्लोन निकल कर आती है, यानी कि जो वार्म हवा है वो आउटफ्लो हो रही है, यहां पर गर्म हवा है, नीचे से ठंडी हवा आ रही है, तो इस तरीके से कूल हवा जो है वो नीचे से आ रही है और फिर गर्म हवा होकर ऊपर उठ रही है और वो जा रही है, और यहां पर ये आई होती है जिस पर बोला ना सबसे कम प्रेशर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस साइक्लोनिक जो फिनोमेना आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं ये फिर यहां पर इस तरीके से आप लोगों के सामने निकल कर आता है, जो कि काफी इंपैक्ट भी डालता है। अभी अगर बात करें केस स्टडी यहाँ पर हमारे देश में, अगर आप लोगों से कोई पूछे ऐसा आप लोगों से ये एथिक्स के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, केस स्टडी के तौर पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कई बार ये चीजें, साइक्लोन फाइलिन और साइक्लोन फैनी, अगर इनका उदाहरण आप लोग दें तो यहाँ पर कई सारी चीजें हमारे देश में नोटिस की जाती है। साइक्लोन फाइलिन आया था 2012 में, इसी के साथ में साइक्लोन जो फैनी 2019 में, तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक तरीका है हमारे देश में, हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को निकाल लेते हैं जो भी साइक्लोन वाले रीजन में फंसा होता आता है, तो उसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से जो डेथ होती है वो काफी कम देखने को मिलती है, पर लेकिन उनकी जो फसल है उनका डैमेज हो जाता है, ठीक है, कई बार जो होती है जल्दी जल्दी फसल काटनी पड़ जाती है कि चलो कुछ तो मिलेगा ही, ऐसा है कि बर्बाद होने से अच्छी है, तो उसको कम से कम कुछ ना कुछ को काट कर ले आते हैं, पर लेकिन वो एक तरीके से नहीं पुरानी काम हो पाता है, बहुत कच्ची पक्की फसल काट ली ऐसी तरीके से, तो पोस्ट साइक्लोन जब साइक्लोन चला गया बर्बाद करके फिर वहां पर उसकी एक सपोर्ट भी नहीं मिल पाती है, तो वो भी दिक्कत देखने को मिलेगी, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज यहां पर हो जाते हैं जिसको आप लोग समझ सकते हैं, जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए। तो साइक्लोन जो जावद है उसकी वजह से क्या देखने को मिला, तो यहां पर लिटिल अटेंशन दी गई एक तरीके से जो डिजास्टर रेस्पॉन्स फंक्शन अदर देन द इवैक्यूएशन, यानी कि एक तो होता है लोगों को निकाल लेना, तो निकाल के तो ले गए लोगों को, पर लेकिन वो जो बाद में डिजास्टर हुआ उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया गया। तो करंट जो थ्रेट अगर यहां से बात करें तो ये क्रॉप के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है, क्योंकि क्रॉप अगर किसी इंसान की एक तरीके से सारी बर्बाद होगी तो फिर कुछ बनता नहीं है, तो इसी के बारे में आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं, ये बेसिकली डोंट पैनिक स्टे सेफ, तो यहां पर ये ऐसी पिक्चर भी आप लोगों के सामने निकल कर आती है। अच्छा, हमारी कंट्री में जो फेमस पर्सनैलिटी है सारी रेत के ऊपर जो ऐसी पिक्चरें बनाते हैं उनका नाम बताइए जला क्या है, देखो किस किस को पता है, कई बार तो मैं भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं इनके बारे में और कई बार इनकी पिक्चर भी शेयर की है मैंने आप लोगों के साथ में, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आप लोग इनके बारे में बताइएगा। डिस्ट्रेस जो है अगर उसके बारे में आप लोग बात करते हैं काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि प्री मेच्योर यानी कि पूरी फसल पकी नहीं है उससे पहले उसको काट दिया साइक्लोन के चक्कर में आकर, तो इसलिए काफी ज्यादा यहां पर एक तरीके से नुकसान देखने को मिल जाता है। अगर कुछ साइक्लोन के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो पूरा टॉपिक इस तरीके से कवर करा रहा हूं कि आप लोगों का हर एक लेवल पर पूरा टॉपिक ढंग से कवर हो जाए।
तो यहां पर बात की जा रही है कि मिटिगेट और प्रिपेयरनेस कैसे होनी चाहिए साइक्लोन से बचने हैं। मिटिगेट मतलब मिटिगेशन बोलते हैं, अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर उसके बाद में कैसे वहां से रिकवर करना है, उन्हें कहते हैं मिट्टी पाचल आगे बढ़, ठीक है। तो वही वाली बात आप लोग याद रखते हैं और कैसे तैयार रहना है इन सब चीजों के लिए। सबसे पहले तो हम लोग को यह पता होना चाहिए कि यार साइक्लोन आते कहां पर है, ठीक है। खासकर कोस्टल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करना है। अब कोस्टल एरिया में किस एरिया में आते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है टाइम टू टाइम जब साइक्लोन देखने को मिलते हैं, तो एक प्रॉपर मैपिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी जहां जहां पर साइक्लोन आते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, किस लेवल पर वो इंपैक्ट डालकर जाते हैं, वो भी हम लोग को समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर टू, लैंड यूज प्लानिंग हम लोग को समझनी पड़ेगी। कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो गटर है, नाले हैं, वो भरे रहते हैं बिल्कुल बुरी तरीके से, वहां पर पानी निकलने के भी रास्ता नहीं रहता है, तो ऐसी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ओवरफ्लो चीजें हुई रहती है, कई बार ह्यूमन का सेटलमेंट देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पर एक तरीके से ये पर्टिकुलर एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वहां पर है, उसी के पास में नाला आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो उसी में कई सारी गंदगी निकल कर सामने आती है, तो वो दिक्कतें निकल कर आती है, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि इंसानों को इंसानों के तरीके से ट्रीट किया जा सके। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें एक तरीके से, यानी कि किस तरीके से क्या चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है। अभी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई सारी ऐसी वीडियो वायरल होती हैं कि यहाँ पर ऐसा रहता है कि सड़क तो ऊपर होगी, वो सॉरी नाला तो ऊपर हो गया और सड़क जो है वो नीचे रहेगी, यानी कि नाले के अंदर जो है वो पानी नहीं जा रहा है, पानी निकलकर सड़क के ऊपर आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर दिक्कतें रहेगी। तो किस तरीके से बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक प्रॉपर मेथड आप लोगों को होना चाहिए, कहाँ से पानी निकलेगा, किस तरीके चीजें चलनी है, ठीक है, कैसे यहाँ पर हवा पानी को आप लोगों को एक तरीके जनता को प्रोटेक्ट करना है वो पता होना चाहिए। शेल्टर साइक्लोन के टाइम पर, ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लोन शेल्टर जो है काफी नेसेसरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको निकाला जाता है साइक्लोन में, जो यहाँ पर फंस जाते हैं, उनको निकाल कर कहीं तो रखना पड़ेगा ना। अब जो रखना पड़ेगा, खाएंगे भी पिएंगे भी उसी के साथ में, वहाँ पर नहाना धोना रहना वो सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। फ्लड मैनेजमेंट के बारे में तो आप लोग को बहुत पहले से बातें करते रहते हो, पर लेकिन उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करते हो। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो रेन है उसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो बोला गया कि फ्लड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। हैवी जो रेन है उसको आप लोग कैसे लेकर चलोगे, अगर होती है, पता है बार बार यहाँ पर बारिश होगी होगी, बार बार यहाँ पर एक तरीके से बाढ़ आएगी आएगी, तो उनको पता होना चाहिए कैसे आप लोगों को चेक करना है। अगर रिजर्वायर बना रहे हैं उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, डैम अगर बांध है उसको चेक करते रहना है आप लोगों को, और इसी के साथ में कोई भी अगर चैनल जिससे पानी निकलता है तो उसको भी आप लोगों को चेक करते रहना है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा फ्लड को मैनेज करने के लिए। अगर यहाँ पर बात करें आप लोगों को अगर मैंग्रोव प्लांटेशन के बारे में, तो मैंग्रोव क्या होते हैं, इनको दलदली फॉरेस्ट या दलदली जंगल आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो कोस्टल एरिया में अगर रहें तो कोस्टल एरिया में यहाँ पर काफी बड़ा काम करते हैं, आप लोगों की जो एरिया है उसको यहाँ पर साइक्लोन हिट करेगा और उसकी वजह से जो नुकसान होगा उस नुकसान को होने से बचाते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा प्लांट करने चाहिए। ये काफी बड़ी बात हो जाती है पब्लिक को अवेयर के बारे में, ठीक है, तो पब्लिक अवेयरनेस के बारे में जरूर फोकस दीजिएगा, ये जरूरी हो जाता है, अगर पता ही नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला था ना कि कई सारे जो लोग हैं वीडियो को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर डेली एक बार वीडियो में बोल दिया करो कि सबको की लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को भी। तो देखिए यार ये चीजें रेगुलर बोलना एक तरीके से कई बार याद नहीं आती, क्योंकि टॉपिक पढ़ाता हूं तो माइंड से निकल जाती है। कई सारे बच्चे बोले सर डेली बोल दिया करो, तो वो जब पढ़ाने बैठता हूँ ना तो बीच बीच में कभी कभी याद आ जाती है, वरना कई बार माइंड से निकल जाती है चीजें, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता सकते हो एक दूसरे के साथ में, तो एक तरीके से अवेयरनेस फैलाना हो गया, ठीक है, कि जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, तो आप लोगों को यहां से चीजें देखने को मिल जाएंगी कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो वरना अगर इस तरीके से मैं यहां पर बनाता रहूंगा और वो रिपोर्ट करते रहेंगे, रिपोर्ट करने के बाद में चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं वहां पर, ठीक है, पता चला कल को इतनी ज्यादा मास रिपोर्टिंग हो गई कि वो टर्मिनेट कर दी वीडियो, तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर वो सारी चीजें अवेयरनेस के तौर पर लोगों को पता रहता है, तो यहां पर चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं। तो पता होना चाहिए यहां पर लोगों को कि हां अगर कुछ दिक्कत होती है, साइक्लोन आ जाता है, तो कैसे आप लोगों वहां से निकलना है और क्या क्या उसके चलते आप लोगों को स्टेप उठाने हैं। इसी के साथ में एंड टू एंड वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। वार्निंग सिस्टम मतलब ये, यहाँ पर पता होना चाहिए कि साइक्लोन कहाँ आ गया, क्या दिक्कत होगी, कैसे तैयार रहना और कैसे भागना है। मिल्खा सिंह की तरह फिर धरती पार दो, नहीं कहते भागो दबा के, तो भाग वो वाली बात है, यहाँ से भाग मिल्खा भाग। ओके, आगे बात करते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा जरूरी है। एक अकेला इंसान क्या, वो नहीं कहते अकेला इंसान क्या, वो नहीं कहते भाड़ फोड़ेगा धन, एक तरीके कुछ मतलब कुछ एक वो है बेसिकली कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, मतलब थी तो क्या थी माइंड से निकल गई, तो वो वाली बात रहती है कि अकेला इंसान क्या ही कर लेगा जब तक सारे मिलकर साथ में काम नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आज के टाइम से आप लोग पढ़ते हैं, मेरे से 30 से 40,000 लोग पढ़ रहे हैं एक साथ में, 50,000 भी हो जाते हैं, तो अगर ये सारे पढ़ पढ़ कर किसी को जाकर पढ़ाएंगे तो कितने सारे लोगों को हम लोग पढ़ा सकते हैं, फिर वो आप लोगों से पढ़े वो किसी और को जाकर पढ़ाने स्टार्ट कर दें, तो ये होती है चैन रिएक्शन। तो इसको अगर आप लोगों ने ढंग से इंप्लीमेंट किया तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी। पर लेकिन दिक्कत पता है क्या रहती है, आज भी अगर मैं बात करूँ बहुत सारे बच्चे जो है चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे हैं
हैं जिनको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हाँ चीजें हैं या नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, तो उनकी जिंदगी हमेशा न्यूट्रल रहती है, वह किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होते ही नहीं है। तो ऐसे भी लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर हर तरीके के लोग हैं, पर लेकिन हमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा हम किस कैटेगरी में अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। तो लोगों की अगर हेल्प करने की बात है तो कम्युनिटी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। कम्युनिटी में एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, कि मिलकर हम लोग काम कर पाएंगे। पर लेकिन वीकनेस भी होती है अगर कोऑर्डिनेशन में काम ना करें तो। स्ट्रेंथ तो यह कि मिलकर काम कर दे, और वीकनेस ये हो गई कोऑर्डिनेशन में काम ना करें एक दूसरे के साथ मिलकर। तो कम्युनिटी की ये सारी चीजें आप लोग यहां पर बेसिकली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुद्दे हैं, कई बार इनके बारे में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा भी कई सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जैसे बात करें यहाँ पर नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजरमेंट इनके द्वारा लिए जाते हैं कि कैसे चीजों को मैनेज करना है, प्रोटेक्ट करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि यहाँ पर नुकसान देखने को मिले। और इसके काम करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है वो होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो वो यहाँ पर ये सारी चीजें लेकर चलती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है इंटीग्रेटेड जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो यहां पर ड्राफ्ट करती है इन सब चीजों को, और उसके चलते चीजें फिर आगे लेकर चलते हैं। तो यहां पर ये भी आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन, तो CZR, ये काफी ज्यादा जरूरी है। कोस्टल वाले एरिया में आप लोग अपने विला बनाकर बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, तो ये गलत चीज है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। और इसको तो प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है कोस्टल रेगुलेशन जोन 1991 के हिसाब से, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज खुद इसके बारे में बातें करती है कि भाई साहब इसके हिसाब से आप लोगों को चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये वाली चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। और रही सही कसर जो है वो कलर कोडिंग के द्वारा कंप्लीट की जाती है, तो कलर कोडिंग जो है उसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुद्दे हैं यहां पर जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, जिससे कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नजर ही ना आए इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर बेसिक मुद्दा, ओके। तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात यार, फिर आप बोलोगे सर पीडीएफ कहाँ रह गई, मैं सोच रहा था कि इसकी पीडीएफ जो है वो एक ही जगह हो जाएगी, बहुत सारे आप लोगों के कल के आर्टिकल थे कुछ ये सारे मिक्स हो जाएंगे आप लोगों के, तो ये सारी पीडीएफ एक ही पीडीएफ में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। यानी कि संडे की जो आप लोगों की पीडीएफ नहीं आती है, तो संडे की पीडीएफ अब की बार भी नहीं आएगी, एक ही पीडीएफ में दे दूंगा, अलग अलग पीडीएफ का कोई मतलब बनता नहीं है। और यहां पर मैं आप लोगों को बेसिकली जो क्विज लूंगा वो भी वो ऐसा ही क्विज लूंगा जिसे मैं कल का और आज का आर्टिकल मिक्स कर क्विज लूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले। तो क्विज को भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्विज भी आप लोगों को मिक्स ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बताऊंगी क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो कुछ कुछ क्विज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और बाकी के जो आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया वो मैंने आप लोगों को बताई दिया क्या क्या हम लोगों ने डिटेल में भी डिस्कस किया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर फिर भी अगर आप लोगों के सामने चीजें बताऊं, हालांकि ये चीजें मतलब देखते हैं, चलो सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने दो इंपॉर्टेंट डे डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ माउंटेन्स इसके बारे में बात की थी, दूसरा यूनिसेफ के बारे में मैंने बात की थी, और यूनिसेफ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने साइक्लोन के बारे में काफी अच्छे समझा कि साइक्लोन कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है, उसके बारे में काफी डिटेल में मैंने कई सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को साइक्लोन के बारे में अब नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए, ठीक है। कहां कहां पर कैसे साइक्लोन आते हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी, ठीक है। इसी के साथ में कलर कोडिंग वगैरह भी हम लोगों ने देखी। एक आर्टिकल जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में बात की थी, तो काफी अच्छे से आप लोगों से मैंने सारी चीज डिस्कस की थी, ठीक है। फिर आगे चलकर हम लोगों ने जो आर्टिकल डिस्कस किया था वो आर्टिकल डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश के अंदर जो दिक्कतें देखने को मिल रही है, और उसके चलते जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर मैंने डिटेल में बातें की थी, इसको देख लेना ध्यान से, काफी सारी बातें बताई थी मैंने क्या क्या वायलेंस किस किसके खिलाफ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी जुलाहा कम्युनिटी के बारे में काफी डिटेल में, और इसी के साथ में मैंने आप लोगों को मुद्रा स्कीम के बारे में बात की थी कि कैसे कैसे स्कीम है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, तो वो सारी बातें जानी थी। और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें निकल कर आती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो आर्टिकल देखा यहाँ पर, ये हम लोगों ने बात की श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, तो काफी डिटेल में आर्टिकल समझा। अब इसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसे अगर कुछ भी आप लोगों से सिख कम्युनिटी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। कल मैंने आप लोगों से बिमस्टेक के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। मैंने आप लोगों से बात की थी यहाँ पर किसके बारे में, पेनेक्स के बारे में, 2021 के बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये आर्टिकल कवर किया गया था काफी अच्छे से, और सारी बिमस्टेक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ये हमारा पूरा डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिला था। तो अभी आप लोगों के सामने क्विज है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। 11 तारीख लिखी हुई है यहाँ पर क्योंकि कल के कई सारे आर्टिकल हो गए, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर 11 और 12 दोनों कर सकते हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल जो माउंटेन्स डे है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड साइक्लोन जो है किसके द्वारा दिया गया था ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर अंबाला के अंदर यहाँ पर अभी मतलब आप लोगों को बताना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि 1857 की क्रांति अंबाला से स्टार्ट हुई थी, ये बताना है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको किसके द्वारा बोला गया था ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बात करते हैं देखते हैं दरबार लगाया गया था इलाहाबाद के अंदर में, तो कब की बात की जा रही है यहाँ पर अगर कोई आप लोगों से पूछे यहाँ पर,
कि उस टाइम पर वायसराय कौन थे, तो ये आप लोग यहां पर बता सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें ह्यूमन राइट वायलेंस के बारे में, तो यहां पर कौन सा राज्य जो है वो टॉप पर चल रहा है ये बताना है, और रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये दोनों क्वेश्चन है। टोटल पॉपुलेशन जो रूरल एरिया और शहर वाले एरिया में कितने कितने हैं, और कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर रहता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के अंदर, ये बताना है। पूरा की फुल फॉर्म बताइए, और किसके द्वारा यहां पर ये कॉन्सेप्ट जो था ये आगे लेकर आया गया था काफी अच्छे लेवल पर, तो ये भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। अब थोड़ा सा रिवीजन भी यहां पर कर लेते हैं। बात की जा रही है नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में, तो डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, इनके द्वारा दो अभी फंक्शन की बात की गई आजादी का अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए। जो भी पढ़ाऊंगा अगर ये रिवीजन कराते कराते भी आप लोगों को याद नहीं आ रहा है कि ये क्या पढ़ाए थे यार, ये तो भूल गए, तो यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से थोड़ा सा रिवीजन जरूर कर लीजिए, तो पीडीएफ से कर लीजिए। अगर पीडीएफ से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से उठाकर एक बार दुरा दुरा कर वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली यहाँ पर 11th एडिशन आप लोगों को देखने को मिला। किसका यहाँ पर 11th एडिशन यहाँ पर, तो ये था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विरन। तो यहाँ पर ये किस किस के बीच में देखने को मिला, तो इंडिया और मालदीव के, कहाँ पर मिला ये आप लोग को बताना था। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, तो कहाँ पर आप लोगों को ये बताना था कि यहाँ पर किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। डिस्क्राइबिंग जो डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस के बारे में अगर बात करें तो क्या है यूनिट, वो यूनिट आप लोगों को बतानी है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो एक तरीके से इंडेक्स है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल, अगर गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात करें, इसके द्वारा अपोज की गई, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि हम अपोज करते हैं कस्तूरी रंगन कमेटी वेस्टर्न घाट के बारे में, तो कौन सी कमेटी है बताइए। कस्तूरी रंगन कमेटी जो है वो यहाँ पर किसके द्वारा अपोज की गई बताना है, और उसके द्वारा कितना एरिया बोला गया था कि यहाँ पर ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होना चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इको सेंसिटिव जो एरिया है यहाँ पर ये नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो ये किस एक्ट के थ्रू यहाँ पर ये नोटिफाई किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एक एक कर जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आजादी की जो विजय श्रृंखला, एक तो ये प्रोग्राम है एनसीसी का, और दूसरा यहां पर ये आप लोग याद रखिएगा संस्कृतियों का एक महासंगम, यानी कि बांग्लादेश और इंडिया को मिलाकर काम करने की बेसिकली बात भी की जाती है यहां पर। हम अभी पता है 1971 में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1971 में इंडिया और बांग्लादेश का 50वां जो अभी वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट यहां पर ये है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करें तो बात की जा रही है 11th एडिशन जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नाम है इक्विरन। इक्विरन का मतलब होता है फ्रेंडशिप, तो यहां पर ये आप लोगों का धूप जो धूप ये आइलैंड है वहां पर नजर आएगी मालदीव के अंदर में। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और इसी के साथ में कार्बन डाई ये इक्विवेलेंट है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जिसको COE बोलते हैं, ये बताते हैं यहाँ पर कितना आज की डेट में आज यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस देखने को मिल रही है। नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटक के बारे में अगर बात करें तो कर्नाटक जो है वो इन्फॉर्म करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि यहां पर याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट हम लोग नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, भाई साहब हमारे यहां पर इंप्लीमेंट करने से दिक्कतें देखने को मिलेगी, लोगों को खाना पीना व्यापार हुआ है वो ढंग से एक तरीके से नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रोटेक्टेड जोन में आप लोग काम करने ही नहीं देते हैं। ठीक है, कस्तूरी रंगन की जो रिपोर्ट है वो प्रपोज की गई थी 37% जो होना चाहिए यहां पर, ये ऐसा होना चाहिए कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया उसको डिक्लेयर किया गया। इको सेंसिटिव जो एरिया है यहाँ पर ये नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और ये कंप्लीट जो एक्ट है यहाँ पर ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। तो कई बार यार कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन अगर होगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी टॉपिक को लेकर, कंफ्यूजन की टेंशन खत्म करनी है। वो नहीं कहते हैं मैं हूं ना तो टेंशन नहीं लिया करते किसी भी चीज को लेकर, जब भी बात करें तो आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो परेशानी हो उसको बताइए, जितना मेरे से हो पाएगा वो मैं जरूर करूंगा यार, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो आज का रिवीजन है जो आप लोगों को खुद से करना है, मैंने आप लोगों को आर्टिकल कवर करा दिए। ठीक है, तो बताइए रिवीजन बेटर था कि ये बेटर है, पहले तो आप लोग ये बताइए। अरे हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर जो डेली क्या कमेंट करूं मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है वीडियो के नीचे आके कितना क्यूट हो आप लोग, कभी बार ना ऐसा लगता है क्या कमेंट करो क्या यार, आके अपना जो भी मतलब क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दे दिया करो। एक बच्चा कह रहा है, उसको रिप्लाई भी कर रहा है दूसरा, ये कह रहा है कि डेली ना कमेंट बॉक्स में आके लिखा करो प्रेजेंट सर तो आप लोग ये भी लिख सकते हो अगर आप लोग रहे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून प्रेजेंट, और बाकी वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचे और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम लोग आगे लेकर चल सके। आप लोगों को फायदा हो रहा है इसलिए आप लोग देख रहे हैं, तो दूसरों को फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने लेवल से एंड आगे पहुंचा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखें, बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।